हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम पहले यहाँ पत्तियों पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम मिरर लगाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको जरूर दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके धागे से मैं इसकी पत्तियां बनाऊंगी और इसके मिरर भी मैं गोल्डन कलर से लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इससे डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं, आप इसमें ये वाला कलर भी लगा सकते हैं लाइट स्किन, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल्डन लगाया है। आपको जो अच्छा लगे आप वही लगा सकते हैं। और इसमें हम जो मिरर लगाएंगे वो देखिए फ्रेंड्स, वो हम स्क्वायर लगवाएंगे। ये वाले मिरर लगाएंगे हम, स्क्वायर वाले मिरर लगाएंगे, यहाँ नीचे इसका बॉर्डर बनाएंगे। आप ब्लाउज के नेक लाइन पर भी बना सकते हैं और सूट के घेरे पर, बाजू पर, कहीं पर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ये मिरर है, इसको आप यहाँ पर लाइन में ये फेविक्रिल ग्लू से चिपका भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चिपका सकते तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चिपका कर इसको आप आधा घंटा कम से कम सूखने के लिए रखें, उसके बाद ही आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी शुरू करें, नहीं तो ये जो हमारे मिरर हैं ये निकलने शुरू हो जाते हैं और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हो पाएगी। चाहें तो आप इसको जीरो टांके से भी बना सकते हैं और इसको आप चाहें तो साटन स्टिच से बना सकते हैं। साटन स्टिच में हम इसको एक नंबर लेकर और फिर इसको दो नंबर पर लेकर इतना बनाए। आप चाहें तो ये पत्तियों का सिंपल बॉर्डर भी बना सकते हैं। इसके साथ एक लाइन और लगाएंगे जहां पर हम मिरर की लाइन लगाएंगे। ये देखिए यहां पर इस तरह, देखिए यहाँ पर इस लाइन के साथ साथ हम मिरर रखेंगे। वैसे तो मैंने मिरर की और भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर मिरर रख के और इसके हम यहाँ पर एक से जीरो से लेकर तीन चार पांच नंबर तक टांका लगाएंगे और उंगलियों को बचाकर लगाएं और चाहें तो आप इसको चिपका भी सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर इसके साइड हम यहाँ पर टांका लगाएंगे इसी तरह। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसके इस साइड में इस यहाँ पर करके और इसके बाद हम इसमें ये देखिए जीरो टांके से इसकी आउटलाइन सी कर दें इसी तरह। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके साथ यहाँ साथ पर एक 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 लाइन और डालेंगे तो हम ये लाइन भी हम एक नंबर से करेंगे। नहीं चाहे आप चाहें तो चार पांच लाइनें बनाकर भी बना सकते हैं। एक लाइन हम इसके साथ और डालेंगे और यहाँ पर हम मिरर की लाइन लगाएंगे।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।